नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह। दर्शकों, इस वक्त की एक बड़ी न्यूज अपडेट जो है वो कश्मीर घाटी से आ रही है। आपको बता दें कि कश्मीर में लगातार आतंकवाद का जो सिलसिला है वो चल रहा है, आम लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि कश्मीर में जिस तरह से कल बारामूला में हमला हुआ था, एक एनकाउंटर के दौरान 3 आतंकवादियों को मारा गिराया था, वैसे ही आज भी जो एक एनकाउंटर है वो कुपवाड़ा इलाके में हुआ है। यानी कि कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर सुरक्षा बलों का हुआ और इसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जी हाँ, एक बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लगी है और 3 आतंकवादियों को, लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, उसे ढेर कर दिया गया है और उनके साथ से जो गोला बारूद बरामद किया गया है भारी मात्रा में। ये इस वक्त की एक बड़ी न्यूज़ अपडेट है जो कि कश्मीर घाटी से आ रही है। जी हाँ, कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके से ये खबर आ रही है। लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, उसके चलते कहीं ना कहीं अशांति जो है वो घाटी में देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज भी पूरी तरह से पुख्ता हैं और साफ तौर पर सुरक्षा बलों के साथ जो मुठभेड़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी जीत जो है वो लग रही है। आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है और उनके पास से जो गोला बारूद भी बरामद जो है वो किया जा रहा है और इस तरह से ये सफलता जो है एक बार फिर से सामने आई है। आपको बता दें कि कश्मीर के IGP विजय कुमार ने इस खबर की जानकारी जो है ट्वीट करके दी है। IGP विजय कुमार ने इस खबर को लेकर कहा है कि लगातार जो एनकाउंटर्स का सिलसिला है वो जारी है, घाटी में चुन चुन के जो आतंकवादी हैं इन्हें पकड़ा जा रहा है और इन्हें जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इस समय की एक बड़ी न्यूज़ अपडेट आपको एक बार फिर से बता दें कि कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 3 लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को मार गिराया गया है, उन्हें ढेर कर दिया गया है, उनके पास से जो गोला बारूद बरामद किया गया है भारी मात्रा में, इस बात की खबर जो है कश्मीर IGP विजय कुमार ने ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि की है। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट, आप बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। राष्ट्रीय और राज्य की तमाम बड़ी खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ नमस्कार।